जनपद में नवरात्र एवं दुर्गा पूजा के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है। स्थापना के क्षेत्र में पुलिस बल लगातार भ्रमण कर रहे हैं तथा जो प्रतिमाएं पारंपरिक रूप से रखी जाती है उन्हीं प्रतिमाओं को रखने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी प्रतिमा रखने एवं पंडाल सजाने के कारण किसी प्रकार का आवागमन में यातायात बाधित न हो, पूरे क्षेत्रों में रात्रि के समय सभी पूजा पंडालों की सुरक्षा के लिए भ्रमण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान अधिकारी, प्रतिमा आयोजक और अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा भ्रमण किया जाएगा। शांति व्यवस्था बनी रहे तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पीस कमेटी के आयोजकों की मीटिंग की जा रही है कि आने वाले दिनों में जितने भी आयोजन और त्योहार होने हैं वह सकुशल संपन्न हो। उन्होंने कहा कि जनपद में दुर्गा प्रतिमाओं की संख्या 3400 के आसपास पूरे जनपद से वेरीफाई होकर सभी थाना क्षेत्रों में आई है तथा कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रतिमा के सभी आयोजकों को जानकारी दी जा रही है और यह त्योहार सकुशल संपन्न हो पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए नवरात्रि और दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है वो 26 तारीख से ही उसकी शुरुआत पूरे जनपद में हो गई है। प्रतिदिन दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना सभी थाना क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर हो रही है। स्थापना के समय पर लगातार पुलिस बल उसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, मौके पर मौजूद रह रहा है। सभी प्रतिमाएं जो पारंपरिक रूप से रखी जाती हैं उन्हीं को रखने के लिए अनुमति दी गई है। जिस स्थान पर रखी जा रही हैं उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है। केवल पारंपरिक स्थानों पर ही प्रतिमाओं का स्थापना की जाए और इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि प्रतिमा रखने और पंडाल सजाने के कारण किसी प्रकार का आवागमन या यातायात बाधित ना हो, इसका भी ध्यान फोर्स द्वारा रखा जा रहा है। जहाँ जहाँ इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो वहाँ पर आयोजकों और स्थानीय जनता के साथ समन्वय करके उनसे वार्ता करके इस समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में रात्रि के समय पर दुर्गा पंडालों की सुरक्षा के लिए भी भ्रमण किया जा रहा है और आयोजकों द्वारा जिन व्यक्तियों को रात्रि के समय पर सुरक्षा के लिए निर्धारित किया गया है उनको भी लगातार चेक किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ स्थापना होगी वहाँ के लिए और विशेष रूप से जो हमारे विसर्जन जुलूस हैं उनका भ्रमण अधिकारियों द्वारा आयोजकों के साथ और अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पीस कमेटी आयोजकों की, इवन डीजे संचालकों की भी मीटिंग की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि सब जगह शांति व्यवस्था कायम रहे और सौहार्दपूर्ण माहौल में आने वाले दिनों में जितने भी आयोजन और त्यौहार होने हैं वो सकुशल संपन्न। देखिए दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना लगातार हो रही है, जो संख्या है वो 3400 के आसपास की संख्या पूरे जनपद से वेरीफाई होकर प्रत्येक थाना क्षेत्र में आई है। जो वेरीफाई किए गए स्थान हैं उन्हीं पर ही दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से भी प्रतिदिन स्थापना के स्थानों, आयोजकों के साथ वह BPOs के माध्यम से इसकी जानकारी ली जा रही है और ये त्यौहार और आयोजन सकुशल संपन्न हो इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।